हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। कोरोना वायरस के आज 53 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से राजस्थान में 21, आंध्र प्रदेश में 12, आगरा में 9, गुजरात में 7, दिल्ली में 2, साथ ही महाराष्ट्र, गोवा और जम्मू कश्मीर में एक एक मरीज मिला है। इसके साथ कुल संक्रमितों की संख्या 2603 हो गई है। 191 लोग ठीक हुए हैं और 73 की मौत हुई है। इससे पहले गुरुवार को देश भर में 486 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ये एक दिन में संक्रमण का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में यूरोपियन देशों की तरह हालात नहीं है। हर्षवर्धन ने कहा कि भारत की हालत यूरोप के देशों की तुलना में बेहतर है। पिछले कुछ दिनों में संक्रमितों की संख्या में अचानक आई तेजी सिर्फ एक घटना की वजह से है। तो कोरोना के खिलाफ पूरा देश लड़ाई लड़ रहा है। और ऐसे में आपका और हमारा काम सिर्फ इतना है कि सरकार के, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा संयम बरतें। घर में रहेंगे तो बचेंगे, जिंदा रहेंगे। घर के बाहर जाएंगे तो बहुत मुमकिन है कि कोरोना वायरस आप वापस लेकर अपने घर चले जाएं, जहां आप और आपके परिवार के लोगों का की परेशानी बढ़ जाए। से पूरी दुनिया बेहाल है और हिंदुस्तान भी लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में हरियाणा न्यूज लगातार आप तक हर खबर पहुंचा रहा है, हर अपडेट कोरोना से जुड़ी हुई हम सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। हम इसलिए अपनी जान जोखिम में डालकर दफ्तर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, ताकि आपको बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े। घर बैठे आप तक हर जानकारी, हर खबर, हर सूचना पहुंच जाए, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं। चलिए, तो अब 3:30 का वक्त है और 3:30 बजे हर रोज की तरह आज भी हमारे साथ दो डॉक्टर्स जो हैं वो जुड़ेंगे। संजय राठौर हमारे संवाददाता दो डॉक्टर्स के साथ हैं। संजय, सबसे पहले तो मैं एक बार परिचय दे देता हूं। डॉक्टर विकास दुआ हैं और डॉक्टर रिति रामबा हैं हमारे साथ। ये दोनों डॉक्टर्स आपके साथ हैं, हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर बात करिए। जी बिल्कुल गौरव, आज 9वां दिन है लॉकडाउन का। उसी के साथ 3:30 बजे हरियाणा न्यूज जो हमारे दर्शक हैं उनको एक हेल्थ बुलेटिन जारी करता है, जिसमें कि तमाम वो बातें की जाती हैं कि कैसे आप कोरोना की महामारी से बच सकते हैं और जो ये लोगों को अवेयर करने के लिए क्या इनके पास गुरु मंत्र ऐसा है। क्योंकि मेरे साथ दो डॉक्टर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर, डॉक्टर विकास मेरे साथ है, डॉक्टर विनीति मेरे साथ हैं, तो मैं इन्हीं से जान लेता हूँ। पहले तो मैम, आज कोरोना की महामारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गुरुग्राम में पिछले काफी दिनों से कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन कल रात को कई करीबन 5 नए मामले सामने आए हैं और 10 की जो रिपोर्ट है वो आनी बाकी है। तो क्या लगता है कितनी भयंकर बीमारी है? क्योंकि हेल्थ जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी भी चिंताएं बढ़ जाती है, क्योंकि पिछले 8 दिन में कोई मामला नहीं आता और एक साथ 5 मामले नहीं आते हैं। तो देखिए, समस्या तो गंभीर है ही और इसको लाइटली कहीं नहीं ले सकते हैं। जहां 10 केस आए थे और 10 पे रुका हुआ था गुरुग्राम, तो ठीक है, तो हम लोग कहीं पे भी रिलैक्स नहीं हुए। हमारे माइंड में कहीं पे भी रिलैक्सेशन नहीं था कि केस नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें सतर्क रहना पड़ेगा, बिल्कुल होशियार रहना पड़ेगा। यहाँ पे ये मामला वाकई में बहुत सीरियस है, ठीक है, इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। सारी मतलब जितने भी जो लॉकडाउन है, ये जो वो ही एक इकलौता तरीका है कि आपस में घर के अंदर भी, मतलब लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी में, क्लब्स में बैठ के हम अंदर ही अंदर बैठ के डिस्कशंस करें और मिलें जुलें। हमें एक दूसरे से दूर रहना है, हमें 6 फीट का डिस्टेंस बना के रखना है घर के अंदर, घर के बाहर, हर जगह। ये तो क्योंकि वायरस का जो लाइफ है वो बहुत लंबी है, इसका जो विरुलेंस है वो बहुत हाई है। विरुलेंस कहते हैं हम कि एक वायरस जो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है वो बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत तेज़ी से फैलता है। तो इसीलिए एक ही तरीका है कि हम दूरियां बना के रखें। अभी
दूरी बना के रखेंगे तो हम सब अपने आप को, अपने परिवारजनों को और हेल्थ केयर पे बर्डन कम से कम करेंगे, क्योंकि बर्डन बढ़ेगा। तो जहाँ पे जो लोग दूरी नहीं बना सकते हैं उनके लिए भी फिर भी यही है, मास्क वगैरह लगा के रखें, हाथ धोएं, बार बार धोएं, क्योंकि मामला सीरियस है। चाहे केस बढ़ें, आज बढ़ते 5 दिख रहे हैं, केस कितने बढ़ेंगे, इंडिया लेवल पे देखें तो ऑलरेडी डबलिंग रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कहां हम बिल्कुल शुरुआत हुई थी बिल्कुल स्लो रेट से, अब ऑलरेडी डबल हो रहे हैं। तो हमें कहीं से भी रिलैक्सेशन नहीं करनी है, ये नहीं सोचना है कि केस नहीं बढ़ रहे गुड़गांव सेफ है, गुरुग्राम या कोई भी इलाका सेफ नहीं है, ये मान के चले। एसिम्प्टोमैटिक भी बहुत लोग होते हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि उसको सर्दी खांसी जुकाम नहीं है बट उसको बीमारी हो सकती है, ठीक है। एसिम्प्टोमैटिक भी इसका बहुत परसेंटेज बढ़ा है, तो इसलिए प्लीज दूरियां बना के रखें और सीरियसली लें इस चीज को। जो लोग अभी भी अवेयर नहीं है लेकिन वो नादानी में ये हरकत कर रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज कन्वे करेंगे या कोई गुरु मंत्र आपके पास है एज ए हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे? इसमें ना गुरु मंत्र, हम मतलब गुरु मंत्र एक ही है, नादानी का टाइम नहीं है ये, ठीक है। ये मिलने जुलने का टाइम नहीं है, सीरियस होना पड़ेगा, नहीं तो आप सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने परिवारजनों को, अपने लव्ड वंस को, सबको आप खतरे में डाल देंगे। और हमारा देश जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड देश है, हम जब अमेरिका जो इतना स्केसली पॉपुलेटेड है, कम पॉपुलेशन है वहाँ की, जब वहाँ जिस तरीके से फैल सकता है तो इंडिया तो बहुत पॉपुलेटेड है। अगर यहाँ आना शुरू हुआ, अगर ये फैलना शुरू हुआ तो हम इसको डील नहीं कर पाएंगे, ये याद रखें। ये हल्की फुल्की बीमारी नहीं है, बड़ों को, बुजुर्गों को, बच्चों को तो बिल्कुल अलग दूर ही रखना है, और खुद को भी नादानी बहुत भारी पड़ेगी, बहुत भारी पड़ेगी, नादानी का टाइम नहीं है ये। डॉक्टर विकास, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि तमाम एक्सपर्ट की हम बात करें, सब बात करते हैं, सभी एक सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, एक दूसरे से दूर रहें, साथ ही साथ समय समय पर अपने हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, इसकी कोई वैक्सीन कोई इस तरीके की? देखिए, आज के टाइम में इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, दुनिया भर में लोग काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना वायरस COVID-19 के अगेंस्ट वैक्सीन आ जाए। वैक्सीन आ जाएगी तो एक सेफ्टी बढ़ जाएगी। जैसे हम जानते हैं बहुत तरह, मैं खुद बच्चों के कैंसर में डील करता हूँ, बच्चे जब पैदा होते हैं उनको वैक्सीनेट कराया जाता है DPT जैसी वैक्सीन से, हेपेटाइटिस वैक्सीन से। तो वायरसेस बैक्टीरियाज के अगेंस्ट हम वैक्सीनेट कर दें तो वो बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसी तरह से अगर हमारे पास आज के टाइम में कोरोना वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन आ जाए तो डेफिनेटली जिनको ये प्रॉब्लम नहीं हुई उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी तक तो प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन नहीं मिल पाई। आपके हॉस्पिटल में 4 मामले थे जो एडमिट थे, जो डॉक्टर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए या फिर अदर जो डॉक्टर्स इस चीज़ को डील कर रहे हैं तो उनके लिए कितना हद तक ये साबित हो सकता? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि डॉक्टर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ सब रिस्क पे ज़्यादा हैं बाकी लोगों से। हम कहते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है उनको रिस्क ज़्यादा है, जो बूढ़े लोग हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको रिस्क है, बच्चों को रिस्क ज़्यादा है, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, कोई और प्रॉब्लम्स है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम, पूरी दुनिया जानती है, ये आज कहने की बात नहीं है, विश्व में सबको पता है कि इनका रिस्क है। इसी तरह से हम लोग जो रोज़ अस्पताल में आ रहे हैं, हमारी मजबूरी है, हमारे भर्ती है मरीज, अगर हम नहीं आएंगे, हम उनका केयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो हम लोगों को रिस्क ज़्यादा है क्योंकि हम लोग इनके कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। तो हम लोग भी अपने आप को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जैसे डॉक्टर वृत्ति ने बोला, डिस्टेंसिंग हम पेशेंट के साथ मेंटेन कर रहे हैं, हम मास्क पहन रहे हैं, हम पूरी प्रोटेक्शंस ले रहे हैं, बट डेफिनेटली हम लोग जो अस्पताल में काम करते हैं, हमारे अस्पताल में नहीं पूरे विश्व में जो लोग भी काम कर रहे हैं उनका रिस्क ज़्यादा है। कल ही पता लगा कि लंदन में ग्रेट ऑर्डन स्ट्रीट में गौश नाम का एक अस्पताल है जो बच्चों की ही प्रॉब्लम्स के साथ डील करता है, वहाँ पर हेल्थ प्रोफेशनल्स में 73 लोगों को कोविड डिटेक्ट हुआ। तो इसका मतलब है लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं। तो इसका एक ही तरीका है, डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, एंड यही एक तरीका अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे इस मौसम में क्या हम खान पान कर सकते हैं, क्योंकि एक डाइट भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्या हम एक्सरसाइज वगैरह इसमें कर सकते हैं, क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं जो कि हमें क्योंकि घर से बाहर हमें आना नहीं है और घर के अंदर आदमी बोर भी हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एक्सरसाइज वगैरह जो भी करना है हमें घर के अंदर रह के करना है, हमें घर से बाहर नहीं आना, सबसे इम्पोर्टेंट।
ठीक है, हमें न्यूट्रिशन रखना है, इम्यूनिटी, जैसे डॉक्टर विकास ने बोला इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रखने की जरूरत है इस टाइम पे. सो हेल्दी लाइफस्टाइल का ये टाइम है, मतलब एक मतलब जब बिजी होते हैं तो हम सोचते रहते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करेंगे, बट ये टाइम आ गया है कि अपने अंदर लाइफस्टाइल को हेल्दी करें. ठीक है, घर के अंदर योगा कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. जिन लोगों के घर में एक्सरसाइज साइकिल ट्रेडमिल है वो लोग एक्सरसाइज साइकिल ट्रेडमिल कर सकते हैं. लेकिन योगा तो मतलब यूट्यूब पे अगर किसी को नहीं भी आता है तो यूट्यूब पे वीडियोज अवेलेबल हैं योगा की. सिंपल योगा से स्टार्ट करें, एक्सरसाइजेस करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, अपनी लंग की कैपेसिटी बढ़ाएं. ठीक है, वो सब करें, हेल्दी खाएं. ठीक है, खाना पीना अभी तक ग्रोसरीज की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, राशन की दिक्कत नहीं आई है, मतलब अवेलेबल कराया जा रहा है, फल फूल वगैरह सब कुछ खुला हुआ है. उसको अच्छे से धोएं, क्लीन करें, क्लीनलीनेस इज गोइंग टू बी बहुत जरूरी है, क्लीनलीनेस रखें और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल को बिल्कुल बना के रखें. और जहां तक वो जो आपका पिछला क्वेश्चन था कि डॉक्टर्स के ऊपर कैसे हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे 4 मरीज भर्ती थे, 2 अभी भी हैं हमारे पास. तो अब उनके लिए जो लोग डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक, जो सैंपल कलेक्शन वाले, वो सारे लोग जो उस एरिया में जाते हैं, वो पूरा एक सूट होता है, पीपी सूट कहते हैं उसको, वो पूरा पहना हुआ होता है उन्होंने, वो डॉन करते हैं, वो पहन के ही अंदर जाते हैं. क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो इन पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, उनको कोई बीमारी ना लग जाए. ठीक है, सिमिलरली जैसे डॉक्टर विकास ने बोला, ओपीडीज अभी भी चल रही हैं, भाई जो मरीज है जिसको जरूरत है उसको हम छोड़ नहीं सकते, तो हमें हॉस्पिटल में आना ही पड़ रहा है. इमरजेंसी अभी भी चल रही है, इमरजेंसी में कोई भी आ सकता है, जिसको पता हो नहीं पता हो कोई भी आता है, तो प्रॉपर पीपीई हम फॉलो करते हैं. और उसको पहनने का भी एक पूरा तरीका होता है, उस तरीके से ही पहनना होता है, उसको उतारने का भी एक तरीका होता है. अब जो आपने मास्क लगाया हुआ है, लोग मास्क लगा रहे हैं, उसको कैसे डिस्कार्ड करना है, कैसे डिस्पोज करना है, सारी वीडियोज यूट्यूब पे अवेलेबल हैं. उसको आप कभी भी ऐसे नहीं करते हैं, उसको उल्टा करके जैसे डिस्कार्ड करने का पूरा एक तरीका है, तो वो फॉलो करें. ठीक है, क्योंकि उतना ही जरूरी है अपने को बचाना, उतना ही जरूरी है कम्युनिटी को बचाना. क्योंकि अगर आपसे कम्युनिटी में चला गया, आपको नहीं पता है, आपके सिम्टम नहीं है, आपसे अगर कम्युनिटी में चला गया तो हमने नुकसान फैला दिया. ठीक है, तो ये सब इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग करनी है. जो दवाइयाँ, बुजुर्ग लोग जिनकी दवाइयाँ, जो शुगर की दवाई जो चल रही है, ब्लड प्रेशर की दवाई जो चल रही है, कार्डियक बीमारियों की, वो दवाइयाँ बिल्कुल नियम से खाएं. इस टाइम शुगर कंट्रोल रहनी बहुत जरूरी है. अलग अलग हॉस्पिटल्स ने वीडियो कंसल्टेशन स्टार्ट कर दी है, कहीं लग रहा है शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, अस्पताल नहीं जा सकते, नहीं आने का आइडिया अच्छा नहीं है, बुजुर्ग घर से बाहर ना निकलें, वीडियो कंसल्ट लें और डॉक्टर से कंसल्ट करके, डॉक्टर की सलाह मान के अपनी शुगर कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें. ठीक है, ताकि अपने आप की इम्यूनिटी उस तरीके से स्ट्रॉन्ग रखे. लोगों को अभी मास्क लगाना भी नहीं आता क्योंकि अवेयर भी किया जा रहा है, क्योंकि वो यहाँ से टच करते हैं, क्योंकि इसको रिमूव करने का ये तरीका, तो एक बार लोगों को बताएंगे किस तरीके का इसके यूज कर सकते हैं और जो सैनिटाइज है वो कैसे हम उसको यूज करें. देखिए, हैंड सैनिटाइजर, अगेन मैं कहूंगी कि सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ उपलब्ध है हर जगह पे. मतलब एक ऑनलाइन बस एक जाके देखना है. आजकल तो हर रोज हर कोई वीडियो बना रहा है, ठीक है, बताने के लिए. हाथ धोने का एक प्रॉपर तरीका होता है, जिसमें आप वो पूरी प्रोसेस है, वो हैंड वॉशिंग टेक्निक डालेंगे, हाथ धोने का तरीका डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, पूरी वीडियोज बनी हुई है. ठीक है, उन वीडियो को फॉलो करें. ठीक है, अगर चाहिए तो हम वीडियोज शेयर कर सकते हैं, हमारे अस्पताल में भी बनी हुई है. इसी तरीके से मास्क को कैसे पहनना है, उसको आगे हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि आपने अगर हाथ लगा दिया, अंदर उसके हाथ नहीं डालना है. मास्क पहनना एक आसान काम नहीं है. ठीक है, अगर आप मास्क के बिना रहना चाहते हैं तो आप मास्क के बिना रहिए, बट दूरी बना के रखिए. ठीक है, एक बार आपने मास्क पहन लिया तो आपको मास्क के हिसाब से प्रिकॉशन लेने, उसको आगे से नहीं छूना, उसको अंदर से नहीं छूना, उसको नाक के नीचे नहीं उतारना, उसको गले पे नहीं उतारना. एक बार आपने गले पे उतार लिया तो वापस नहीं लगाना. बहुत सारी प्रिकॉशन लेनी होती है मास्क के साथ. तो अगर आप दूरी बना के रख सकते हैं, जो कि घर में हो पाता है, घर में आप रहें, दूरी बना के रखें और मास्क का प्रयोग इतना ना करें, क्योंकि मास्क से आप फायदे की जगह नुकसान ले लेंगे. नहीं तो कुल मिला के लोगों को इसका यूज ना करें तो ज्यादा बेहतर है, सोशल डिस्टेंसिंग पे. सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे सही रास्ता है. सोशल डिस्टेंसिंग रखें जिनको, और जो आपके बाहर अगर निकल रहे हैं तो जरूर मास्क लगाने, क्योंकि फिर आपको नहीं पता कि आप किससे मिलने वाले हो, कैसे मिलने वाले हो, कोई आपके मुंह पे आके खांस जाए, कुछ हो जाए. तो आप उस तरीके से बना के रखें बाहर निकलने के लिए. इसीलिए जो लॉकडाउन की चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, घर से बाहर ना निकलें. अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में काफी लोग हैं जो पालन नहीं कर रहे हैं, धारा 144 भी लगी हुई है, साथ ही साथ लॉकडाउन है, उसके बावजूद भी वो ग्रुप में लोग बैठते हैं, वॉक साथ करते हैं, क्या अभी भी उनको अवेयरनेस की आवश्यकता है?
बिल्कुल अवेयरनेस की जरूरत है। अगर ग्रामीण इलाकों में अगर ऐसा हो रहा है, बहुत गलत है, प्लीज इस समय समझ जाइए। हमें अपनी जिम्मेदारी लेने की बात है। हम सब, कोई अगर समझदार है तो वो ये ना सोचे कि दूसरे कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। कोई अगर समझदार है तो वो समझदारी देने की कोशिश करे। पुलिस भी बहुत सतर्क है, पुलिस को इन्फॉर्म करे, ठीक है, जो गलत ना होने दें, क्योंकि आज अगर गलत एक जना कर रहा है तो हम आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। हम अगर किसी को देखते हैं, आज भी लोगों की आदत है थूकने की, वो मास्क उतार के लोग थूक रहे हैं, रोकें उनको जहां पे नहीं कोई सुन रहा है, पुलिस को इन्फॉर्म करें। पुलिस बहुत सतर्क है, बट इन चीजों को हल्के में ना लें, रिपोर्ट करें इससे, क्योंकि सिर्फ वो नहीं अफेक्ट होंगे, हम खुद भी अफेक्ट होंगे। ये कम्युनिटी की बात है, पूरे इलाके की बात है। एक जना अगर इन्फेक्ट होता है तो वो कितनों को फैलाता है ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं बात करूं, एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे मैं दिल्ली रहता हूं और मैं गुड़गांव रोज आता हूं, तो हमारा पुलिस जो है अच्छी नाकाबंदी करी हुई है। मुझे 10 से 12 जगह बिना डॉक्टर मुझे रोका जाता है, मुझे अपना आई कार्ड दिखाना होता है, गाड़ी पे दिखाना होता है कि मैं हॉस्पिटल ड्यूटी पे जा रहा हूँ। बट ये पुलिस अपनी तरफ से बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, बट रस्ते में जो स्लम एरिया आते हैं, जो आपने बात करी ग्रामीण, वहां पर हम यही देख के थोड़े से हमें अजीब लगता है कि लोग 10-10, 20-20 की एक साथ बैठे हुए हैं, 10-10, 20-20, तो उनको आज भी अवेयरनेस और चाहिए, उनको जानकारी और चाहिए कि ये लोग जो 10-10, 20-20 लोग बैठे हुए हैं, यही 20 कल को 100 को और 100-200 को और 500 को और 1000 को इन्फेक्ट करेंगे। तो जो हम ग्रामीण एरिया में बात कर रहे हैं, ग्रामीण एरिया में के साथ में हमें मेट्रोपॉलिटन बड़े शहरों में भी हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बट फिर भी कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से जो लैकुनाज रहते हैं, मेरा उन सबसे निवेदन है कि वो लैकुनाज को फुलफिल करें और कोशिश करें कि हम सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। सर मैं बात कर रहा था सैनिटाइजर की, क्योंकि अल्कोहल की मात्रा उसके अंदर है, और साथ ही साथ हम बात करें जो लोग हैं वो शराब का सेवन भी करते हैं कि अल्कोहल इसके अंदर है तो ये हमारे अंदर जाएगा शरीर के अंदर, तो जो सिम्टम है या कोई बैक्टीरिया अंदर जाते हैं तो उसको मारने में आसानी होगी, क्या ये शराब का सेवन ठीक है सर? जी बिल्कुल नहीं। आज के टाइम में बात करें, कोरोना वायरस के टाइम में बात करें या किसी भी वक्त में बात करें, शराब का सेवन बिल्कुल भी सही नहीं है। आपकी इम्यूनिटी, आप किसी आदमी को और इम्यूनिटी कम कर रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी कम होगी तो आपको बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, कोई भी तरह का इन्फेक्शन लग सकता है। तो आज जो एक हाईली विरुलेंट वायरस हमें तंग कर सकता है और हम अपना इम्यून सिस्टम को और कमजोर करें, उससे हमारा चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाएंगे। तो जनता से यही अनुरोध है कि यही नहीं कि हम खाली बैठे हैं, उस खाली वक्त को हम शराब पी के बैठ के सिगरेट पी के यूज करें, उससे बेहतर है कुछ प्रोडक्टिव काम करें, कुछ अच्छे काम करें। जैसे डॉक्टर वृत्ति ने बोला, बहुत सारे अच्छे वीडियोज भी उपलब्ध हैं, योगा कर सकते हैं लोग आजकल, हमारे मैं कहता हूँ बॉलीवुड के एक्टर नई नई चीजें दिखा रहे हैं कि वो घर पे कुकिंग कर रहे हैं, जब बॉलीवुड के लोग जिन्होंने कभी कुकिंग नहीं करी वो आज कुकिंग कर सकते हैं, तो हम लोग साधारण लोग क्यों नहीं नई चीजों का, अच्छी चीजों का करके अपना टाइम पास करें, रादर देन खराब चीजों में उलझ कर। कितना खतरा है सर कोरोना, क्योंकि अभी मामले बढ़ते जा रहे हैं, पूरे हम भारत की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, और गुरुग्राम के साथ क्योंकि एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक है, 9 मामले ठीक हो जाते हैं, जो पेशेंट थे वो ठीक हो जाते हैं, एक रह जाते हैं, लेकिन रात ही रात में 5 नए मामले आ गए हैं, और उसके बाद जो 10 की रिपोर्ट आनी बाकी है, हो सकता है कि वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव ना हो। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह 9 बजे भी एक नया सुबह देश को संबोधित करा, 9 बजे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक लाइन ऐड करी कि हम लोग 5 तारीख को शाम को सब लोग अपने दिए, कैंडल्स वगैरह 9 मिनट के लिए जलाएंगे, बट उसके साथ में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे स्ट्रेस करा जो पता नहीं जनता ने उसको समझा या नहीं समझा, कि हमने जो वो जलाना है, जो मोबाइल की लाइट जलानी है, कैंडल जलानी है, दिया जलाना है, इन टॉर्च जलानी है, इसको अपने घर और अपने घर की बालकोनी में जलानी है। जो पिछली बार जनता कर्फ्यू हुआ था उस टाइम में कुछ लोगों ने उस जनता कर्फ्यू का पालन बहुत अच्छा करा, बट जो शाम को जब उन्होंने अपनी थालियां बजाई, जब तालियां बजाई, उसके बाद काफी लोग सड़कों पे आके इकट्ठे होके बजा रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी ने आज यही स्ट्रेस करा है, ये जो अब हम संडे को 5 तारीख को रात को 9 बजे करने वाले हैं, उसको हम अपने घरों में करें और एक साथ ना मिलें, ठीक है? तो वही बात। संजय एक सवाल आखिरी में और पूछ लीजिए आप। हम लोगों से ना मिले, ये हम पालन करेंगे तो हम सबको और मुझे पूरा यकीन है कि हम इस वायरस से जीत प्राप्त कर पाएंगे। जी गौरव, ठीक है। संजय ये पूछे कि हम बार बार कह रहे हैं कि इस वक्त फल सब्जी इनका सेवन करने की जरूरत है, लेकिन फल जब हम लेकर, और ये भी साथ में कह रहे हैं कि जो भी खाएं अच्छे से पका के खाएं,
लेकिन जब हम फल लेके आ रहे हैं उसको तो नहीं पका सकते हैं, तो उसको सिर्फ क्या नॉर्मल धो लेने भर से वायरस फ्री हो जाता है या उसकी भी अलग कोई टेक्निक है? जी बिल्कुल गौरव, मैं जरूर जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं जो भी हम सेवन करें पौष्टिक खाएं, अच्छा खाएं, अच्छे से पका के खाएं, हम फ्रूट की बात कर लेते हैं, क्या उसको मात्र धोने से ही उसमें जो कोई इन्फेक्शन यानी कोई बैक्टीरिया है, जो भी सिम्टम या फिर कोई भी कीटाणु है, क्या वो उसी से बेहतर है या उसको भी सैनिटाइज या फिर किस तरीके से? देखिए जी, इन जनरल एक ही बात समझनी हमारे को इम्पोर्टेंट है कि हमारे को हाइजीन मेंटेन करनी है, सफाई मेंटेन करनी है, तो किसी भी चीज को पका के खाएं तो बेहतरीन है, बट जो भी फल फ्रूट को हम कच्चा खाना चाहते हैं बिल्कुल खाइए, बट कोशिश करिए उसकी मोटा छिलका उतार लीजिए, उसका मोटा छिलका उतार लेंगे तो इन जनरल भी हम सारी जिंदगी हमें ये समझ आ जाएगा कि हम हर तरह के इन्फेक्शन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जैसे अगर हम सेब खाना चाहते हैं तो सेब की परख उतार लीजिए, केला सबको पता है केला की छिलका उतार के सबसे सेफ फ्रूट है, तो आप एक मोटी परख उतार के कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया संजय आपका, और दोनों डॉक्टर्स जो आपके साथ हैं उन दोनों डॉक्टर्स का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो बहुत मोटी मोटी बात समझने की जरूरत है आपको, पहले तो घर से बाहर नहीं निकलना है, दूसरा जो भी सामान इस्तेमाल करें उसको अच्छे से पका के अच्छे से धोकर खाएंगे तो आप खुद को भी सुरक्षित रखेंगे और अपने परिवार को भी। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।